ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वास्थ्य रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम सूर्य के पहले भाव में राशियों के अनुसार बताए जाने वाले उपायों की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे। सूर्य धनु राशि में लग्न में जब होता है तो जातक को कैसा प्रभाव देता है, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जब सूर्य लग्न में होता है तो कौन कौन से योग बनते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जब सूर्य धनु राशि में लग्न में होता है तो कौन कौन से योग बनते हैं, और फिर यदि लग्न में सूर्य के ऊपर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि हो तो उसका कैसा प्रभाव होता है, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य धनु राशि में लग्न में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे मालूम करें कि हमारा सूर्य कौन से भाव में है तो आप मेरा पूर्व में बनाया गया वीडियो देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप कैसे जानें कि आपका ग्रह कौन से भाव में है। तो एक बार उसे अवश्य देखें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका अमुक ग्रह कौन से भाव में है। तो आइए चर्चा करते हैं सूर्य धनु राशि में लग्न में कैसा प्रभाव देता है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और सूर्य की मित्र राशि है। गुरु की राशि में अब सूर्य देवता विराजमान है। धनु राशि के तीन नक्षत्र जो हैं, मूला नक्षत्र पूरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र पूरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चरण, और उत्तराखाड़ा नक्षत्र का पहला चरण, इन सबको मिला के धनु राशि बनती है और इसके ऊपर सूर्य आपकी कुंडली में विद्यमान होगा। ऐसे जातकों का जन्म 15 दिसंबर से लगभग 14 जनवरी के मध्य में सूर्य उदय के आसपास होता है, और यदि शास्त्रों के अनुसार विचार करें सूर्य जब धनु राशि में होता है तो उसके देवता कौन होते हैं, किस देवता की आराधना करनी चाहिए। 0 से 10 अंश तक यदि आपका सूर्य है तो कार्तिक के भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता का उपाय करना चाहिए, जिससे आप अपने सूर्य के प्रभाव को और भी अच्छा कर सकते हैं और मंदा प्रभाव दूर कर सकते हैं। यदि सूर्य 10 से 20 अंश के मध्य में हो तो इसके देवता गणपति भगवान होते हैं, श्री गणेश जी महाराज होते हैं, उनकी प्रसन्नता से आप सूर्य के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और यदि सूर्य धनु राशि में 20 अंश से लेकर 30 अंश के मध्य में हो तो इसके देवता भगवान शंकर होते हैं, तो उनकी आराधना करके आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आपको फल आपसे मैच ना करें तो एक भाव आगे के सूर्य का फल देखें या एक भाव पीछे के सूर्य का फल देखें, मतलब सूर्य द्वितीय भाव में या सूर्य द्वादश भाव में इनका भी फल देखें यदि फल आपसे मैच नहीं करता। और लग्न के अंशों का भी बहुत योगदान होता है कि ग्रह फल देगा या नहीं। यदि लग्न के अंशों से सूर्य के अंश ज्यादा हैं तो संभव है कि आपको सूर्य के अच्छे या बुरे फल ना मिलें, और यदि सूर्य लग्न के अंशों से कम है, लगभग 12 अंश के अंदर है, तो आपको सूर्य के मंदे या अच्छे फल अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं जब लग्न में सूर्य होता है तो कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं। जैसा आपको पता ही है कि सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, पिता के सुख का विचार किया जाता है,
और सरकारी कार्यों का भी विचार किया जाता है। यदि सूर्य के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और कोई पाप ग्रह साथ में युति नहीं कर रहा तो निश्चय ही पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होता है। जातक का पिता बहुत धनवान होता है, वैभव संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है और उसी के समान जातक भी वही सब सुख सूर्य के प्रभाव से प्राप्त करता है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि मंगल या राहु हो तो ऐसी स्थिति में जातक के पिता को अरिष्ट की संभावना रहेगी, पिता सुख में जातक को कमी हो सकती है। और यदि सूर्य दो पाप ग्रहों के मध्य में हो, बारहवें भाव में पाप ग्रह हो या दूसरे भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में पिता को अरिष्ट होता है, पिता सुख में कमी हो सकती है। यदि कुंडली में दसवें या सातवें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो भी पिता को अरिष्ट होता है, कष्ट की संभावना रहती है। यह कष्ट जो है यदि शारीरिक ना हो तो धन हानि जैसा भी हो सकता है। और यदि सूर्य धनु राशि में मंगल के नवांश में है और लग्न कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में जन्म से जातक के जन्म से पूर्व ही पिता कहीं चला जाएगा अथवा उनका देहांत भी हो सकता है। इस तरह जन्म से पूर्व ही जातक को पिता का सुख जो है वो नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य से पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नवम भाव में दो पाप ग्रह युति करते हों तो ऐसे में जातक के जन्म के समय जातक का पिता किसी बंधन में हो सकता है या जेल आदि में हो सकता है। दशम भाव में कुंडली के जो भी राशि है या दशम भाव में कुंडली के जो भी ग्रह बैठा है उसी के अनुसार यदि जातक व्यवसाय करता है तो उसको निश्चय ही लाभ होता है, बहुत अच्छी आमदनी होती है और वो कारोबार जातक का अच्छा चल पड़ता है। और यदि कुंडली में सूर्य पाप ग्रह के साथ युति करे, शनि राहु आदि के साथ यदि सूर्य लग्न में बैठ जाए तो जातक की आयु जब 3 साल की होगी तो उसको ज्वर आदि रोग से पीड़ा हो सकती है, बुखार आदि रोग जातक को हो सकता है। यदि कुंडली के सातवें भाव में या पंचम भाव में चंद्रमा हो और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक अल्पायु हो सकता है, जातक को अरिष्ट हो सकता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव में चंद्र हो तो ऐसे में जातक को कानीन संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसी संतान जो बिना विवाह के ही पैदा हो उसे कानीन संतान कहते हैं। अर्थात चंद्रमा यदि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो कानीन संतान का योग जातक की कुंडली में बनेगा। और यदि लग्न से सातवें भाव में और सूर्य से सातवें भाव में मंगल और शनि युति करे तो ऐसे में जातक को मानसिक तनाव रह सकता है, मति भ्रम रह सकता है, उन्माद रोग हो सकता है। लग्न में जब सूर्य होता है तो ऐसे जातक जो हैं अल्पकेश वाले होते हैं, सिर पे कम बाल ऐसे जातकों के होते हैं। और सभी राशियों में जब लग्न में सूर्य होता है तो जातक का कद जो है वो लंबा होता है। ऐसे जातक कुछ आलसी होते हैं, विलासी होते हैं और इनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। और लग्न का सूर्य जो है जातक को बड़ा धनवान और वैभवशाली बनाता है, सभी प्रकार के सुख जातक को प्रदान करता है। ऐसे जातक बड़े ही प्रचंड स्वभाव के होते हैं और बड़े ही अभिमानी होते हैं, शूरवीर होते हैं और दूसरों को क्षमा न करने वाले ऐसे जातक होते हैं, कभी किसी को माफ नहीं करते, कभी किसी को क्षमा नहीं करते। सभी राशियों में जब लग्न में सूर्य होता है तो नेत्र रोग देता है। अब धनु राशि में सूर्य होने पर भी जातक को नेत्र रोग की संभावना रह सकती है। और लग्न का सूर्य जो है
स्त्री पुत्र और बंधु बांधों से जातक के मन को संतप्त करता है, दुखी करता है। और भाव ये है कि जातक को ना तो संतान का सुख मिल पाता है और ना ही पत्नी का सुख मिल पाता है, जीवन साथी का सुख पूरी तरह से नहीं मिलता। और यदि जातक पुनः विवाह भी कर ले तो भी उसको ऐसा सुख प्राप्त नहीं होता। संतान सुख में जातक को फिर भी बहुत कमी रहती है। ऐसे जातक अपने पिता के भक्त होते हैं, पिता की सेवा करने वाले होते हैं, किंतु जातक का पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं करता। अर्थात जिसके लग्न में सूर्य है उसे अपने पुत्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह जातक विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करते हैं, बार बार भ्रमण पे रह सकते हैं, यात्रा के ऊपर भी रह सकते हैं, और एक जगह न बसने वाले होते हैं। अपना घर भी कई बार बदलना पड़ सकता है तबादला आदि होने के कारण। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक बड़े ही आत्मविश्वासी होते हैं, इनमें भरपूर आत्मबल होता है और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होता है, जिसके प्रभाव से जातक अपने दम के ऊपर जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, उच्च अधिकार प्राप्त करते हैं, कोई उच्च नौकरी जातक प्राप्त करता है। और ऐसे जातक छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले होते हैं, अभिमान के कारण छोटी चीजों का तिरस्कार भी कर देते हैं। ऐसे जातक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जो भी बात ठान ले उसको पूरा करके ही रहते हैं, उदार हृदय होते हैं, इनका स्वभाव भी बहुत उदार होता है। और यदि कुंडली में मंगल पंचम भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो और चंद्रमा नवम भाव में हो, तो ऐसे में जातक को ऊंचाई से गिरने से मरण का भय होता है या चोट लगने का भय होता है। और एक योग और बनता है जिसमें जातक को अपने पिता की धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती। वो योग इस प्रकार है, यदि धनु राशि में सूर्य हो, कुंभ राशि में कुंडली में शनि हो, मेष राशि में चंद्रमा हो और कुंडली में मकर राशि में शुक्र हो, तो इस योग में जातक अपने पिता की धन संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाता। और इसी सूर्य से, लग्न के सूर्य से एक योग और बनता है जब सूर्य धनु राशि में होता है, वो है जुड़वा संतान का योग। अर्थात इस योग में जातक का एक जुड़वा भाई भी हो सकता है। जब कुंडली में सूर्य धनु राशि में लग्न में हो और शेष सभी ग्रह जो हैं, पूरे आठ के आठ ग्रह जो हैं, वो मिथुन राशि, मिथुन कन्या धनु मीन, इन चार राशियों में सीमित होकर रह जाएं, तो ऐसे में जातक का कोई जुड़वा भाई भी हो सकता है। यदि अन्य योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, यदि यह योग जातक की कुंडली में हो तो उसको जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि पुरुष जातक है तो उसकी पत्नी को बहुत कष्ट रहते हैं, उसका द्वितीय विवाह भी जातक का हो सकता है। यदि कुंडली में शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसे में जातक जीवन साथी के सुख से हीन होता है। और यदि कुंडली में मंगल पंचम भाव में हो तो संतानहीनता का योग बनता है, संतान सुख में कमी हो जाती है। धनु राशि में सूर्य होने पर जो जो योग बनते हैं, अब हम उन्हीं योगों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे जातक विकलक्षण होते हैं, अर्थात इनको नेत्र का कोई विकार रहता है, आंखों के विकार रहते हैं और बचपन में शीतला आदि रोग की संभावना जातक को होती है। ऐसे जातकों को वीर्य संबंधी कोई रोग भी हो सकता है। ऐसे जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में कुछ बनने की इनको ललक होती है और ये वो उच्च पद भी प्राप्त कर लेते हैं अपनी मेहनत से और अपने आत्मविश्वास से। ऐसे जातकों को बहुत शीघ्र क्रोध आता है और छोटी सी बात से भी क्रोध आ सकता है
क्योंकि जातक जो हैं झूठ से बहुत नफरत करते हैं, झूठ बोलने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये जातक बड़े ही न्यायशील होते हैं और धर्मशील होते हैं। ये जातक अपना अधिकार जमाने की इच्छा वाले होते हैं। भाव ये है कि ऐसे जातक हमेशा हुकूमत करने वाले होते हैं, किसी का आदेश नहीं मानते। और धनु राशि में जब सूर्य लग्न में होता है तो जातक कम बोलने वाले होते हैं, बड़े ही गंभीर स्वभाव के होते हैं। धनु राशि में सूर्य होने से राजयोग की तरह जातक को प्रभाव मिलेगा। ऐसा जातक बहुत उच्च अधिकारी होगा, कोई हाई कोर्ट आदि में जातक न्यायाधीश हो सकता है, जज हो सकता है, और ऐसा जातक कोई कुशल वक्ता भी हो सकता है, धार्मिक प्रवचन करने वाला भी हो सकता है। और ये जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, किंतु दो ही सुख जातक को नहीं मिलते, एक संतान सुख और एक गृहस्थ सुख। सूर्य जब धनु राशि में लग्न में हो तो ऐसा जातक कोई धार्मिक शिक्षक भी हो सकता है, कथा आदि करने वाला हो सकता है, कोई प्रसिद्ध उपदेशक भी जातक हो सकता है। ये जातक बड़े ही कुशल वक्ता होते हैं, बोलने में बड़े ही कुशल होते हैं, और शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, सहज ही इनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही चतुर होते हैं, धन वैभव आदि से जातक संपन्न होता है और सभी प्रकार के सुख जातक प्राप्त करता है। ऐसे जातक के सिर के आसपास कोई लाल रंग का निशान भी हो सकता है। धनु राशि में सूर्य होने से जातक कोई अभिनेता भी हो सकता है, और बड़े ही ज्ञानवान होते हैं ऐसे जातक जिनका लग्न में सूर्य धनु राशि में हो। और ऐसे जातक बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं और बहुत इनकी काम इच्छा जो है बहुत प्रबल हो सकती है। आइए अब हम विचार करते हैं, यदि धनु राशि में सूर्य लग्न में हो और बाकी ग्रहों की यदि दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि चंद्रमा की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसा जातक बड़ा ही कुशल वक्ता होता है, भाषण देने में बहुत निपुण होता है, बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान होता है, और धन वैभवादि से संपन्न होता है, पुत्र का सुख प्राप्त करता है, पुत्रवान होता है, और कुंडली में राजयोग होता है। ऐसा जातक शोकहीन होता है, इसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता, और चंद्रमा की दृष्टि के प्रभाव से जातक बहुत सुंदर शरीर वाले भी होते हैं। यदि सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक विजेता होता है, जीतने वाला होता है, सदा विजयी रहता है और बड़ा ही प्रतापी होता है। और ऐसे जातक स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट बात मुंह के ऊपर ही कह देते हैं, धनवान होते हैं, और इनका स्वभाव विशेष बहुत उग्र स्वभाव भी हो सकता है। यदि सूर्य के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक प्रिय बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, मधुर भाषी होते हैं। ऐसे जातक कोई लेखक हो सकते हैं, ग्रंथ आदि की पुस्तक आदि की रचना करने वाले हो सकते हैं, और ऐसे जातक को धातुओं का ज्ञान होता है, धातुओं के मर्मज्ञ हो सकते हैं, और ऐसे जातक समाज में प्रसिद्ध होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। यदि धनु राशि में सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो मैं कहूंगा इससे बहुत अच्छा योग बनेगा, सबसे अच्छा योग बनेगा, प्रबल राजयोग जातक की कुंडली में बनेगा, जातक धन वैभव से संपन्न होगा, सभी प्रकार के सुखों को जातक प्राप्त करेगा, और बड़े ही सुंदर सुंदर वाहनों का सुख भी जातक को प्राप्त होगा। यदि शुक्र की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो, जब सूर्य धनु राशि में हो तो इसका बहुत उत्तम फल मिलता है, जातक का गृहस्थ सुख बड़ा ही बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा ही दिव्य होता है, जातक का जीवन साथी अद्वितीय होता है,
और ऐसा जातक बड़े ही शांत स्वभाव का होता है और उत्तम वस्तुओं का उपयोग जातक ऐसे करता है जैसे कोई राजा उत्तम वस्तुओं का उपयोग करता है। यदि लग्न में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो इसके मंदे परिणाम होते हैं। ऐसा जातक निर्धन हो सकता है, वेशभूषा जो है अपवित्र हो सकती है, मलिन अवस्था में रहने वाला होगा और दूसरों का दिया अन्न खाने वाला होगा, और ऐसा जातक कोई पशुपालक भी हो सकता है। और ये है सूर्य धनु राशि में लग्न में जब होता है उसका प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य धनु राशि में लग्न में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।